दोस्तों नेक्सॉन का एक नया मॉडल लॉन्च हुआ है जो कि है XZ Plus L। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी मॉडल को महिंद्रा XUV300 का जो सेकंड टॉप मॉडल है W8 उसके साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे टाटा नेक्सॉन का XZ Plus लग्जरी मॉडल वैल्यू फॉर मनी है या फिर महिंद्रा XUV300 का सेकंड टॉप मॉडल W8 वैल्यू फॉर मनी है। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइसेस को लेकर। तो नेक्सॉन XZ Plus लग्जरी पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन की एक शोरूम कॉस्ट रहेगी 11.38 लाख रुपए और डार्क एडिशन के लिए 11.68 लाख रुपए, जबकि जो डीजल मॉडल है मैनुअल ट्रांसमिशन में उसका एक शोरूम कॉस्ट रहेगा 12.68 लाख रुपए और डार्क एडिशन के लिए 12.97 लाख रुपए। इसके उलट महिंद्रा XUV300 का W8 मॉडल में पेट्रोल मॉडल का एक शोरूम कॉस्ट रहेगा 11.16 लाख रुपए मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए और 12.48 लाख रुपए डीजल में मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए। XUV300 का सेकंड टॉप मॉडल में आपको कोई भी AMT ऑप्शन नहीं मिलता, इसीलिए नेक्सॉन में जो ये वेरिएंट आता है इसमें जो AMT मॉडल है उसको हम लोग XUV के साथ कंपेयर नहीं कर रहे। तो प्राइस डिफरेंस की बात करें तो 22,000 रुपये XUV300 का पेट्रोल मॉडल चीपर होगा नेक्सॉन के मुकाबले और 27,000 रुपये नेक्सॉन के मुकाबले XUV300 का डीजल मॉडल चीपर होगा। तो आप लोग देख ही सकते हो दोनों ही इंजन ऑप्शन में XUV300 सस्ती पड़ती है टाटा नेक्सॉन के मुकाबले। तो अभी आप लोगों ने देख लिया XUV300 सस्ती है टाटा नेक्सॉन के इस मॉडल के मुकाबले। तो क्या ये वैल्यू फॉर मनी है, आइए आप देख लेते हैं। डायमेंशंस की बात करें तो नेक्सॉन लेंथ वाइज 2 mm कम है, बीर्थ वाइज 10 mm कम है, हाइट वाइज 21 mm कम है, व्हील बेस 102 mm कम है, ग्राउंड क्लियरेंस 29 mm ज़्यादा है, बूट पेस 93 लीटर ज़्यादा है, टायर साइज आपको दोनों ही गाड़ियों में इक्वल मिलती है लेकिन नेक्सॉन में आपको प्रोफाइल छोटी मिलती है। अब ओवरऑल अगर डायमेंशंस को कंपेयर करें तो आप लोग देख सकते हो XUV300 में आपको लेंथ ज़्यादा मिलती है, बीर्थ ज़्यादा मिलती है, हाइट ज़्यादा मिलती है, व्हील बेस ज़्यादा मिलती है। वैसे लेंथ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन अगर बात करें बीर्थ की या फिर हाइट की या फिर व्हील बेस की तो कार के अंदर आपको काफ़ी बढ़िया केबिन स्पेस मिलने वाली है। फ्रंट रो या फिर सेकेंड रो में चढ़ना उतरना नेक्सॉन के मुकाबले थोड़ी ईजी रहेगी आपको XUV300 में। लेकिन जो निराशाजनक बात है वो यही है XUV300 एक सब 4 मीटर SUV होते हुए भी आपको ग्राउंड क्लियरेंस एक हैचबैक की लेवल की मिलती है 180 mm की और बूट पेस मिलती है 256 लीटर की, मतलब एक हैचबैक साइज की बूट आपको XUV300 में मिलती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं इसी वजह से XUV300 को वो अपने लिस्ट से कैंसिल कर देते हैं और दूसरी सब 4 मीटर SUVs परचेस कर लेते हैं क्योंकि उनमें आपको बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाती है और बढ़िया बूट पेस भी मिल जाती है सब 4 मीटर SUVs के हैसियत के हिसाब से। तो ओवरऑल अगर डायमेंशंस को कंपेयर करें तो नेक्सॉन यहां पर XUV300 को इजीली बीट कर देती है क्योंकि नेक्सॉन के अंदर आपको बढ़िया केबिन स्पेस मिल जाती है। हाँ XUV300 जितना नहीं मिलेगी लेकिन हाँ काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाती है, आप लोग 3 लोग पीछे बैठकर इजीली ट्रैवल वगैरह कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको लगेज बहुत ही बढ़िया मिल जाती है, मतलब बूट पेस आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाती है, आप लोग अपने सामान वगैरह इजीली कैरी कर पाओगे नेक्सॉन के बूट में जिसका सहूलियत आपको XUV300 में नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल अगर डायमेंशंस को कंपेयर करें तो नेक्सॉन आगे निकल जाती है। इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो नेक्सॉन में आपको मिलता है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो 118 bhp के साथ 170 nm टॉर्क पैदा करता है, 6-speed मैनुअल के साथ 17.57 kmpl माइलेज क्लेम करा जाता है, जबकि डीजल ऑप्शन में आपको मिलता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल जो 108 bhp के साथ 260 nm टॉर्क पैदा करता है, 6-speed मैनुअल के साथ 21.19 kmpl माइलेज क्लेम करा जाता है। इसके उलट XUV300 में भी आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो 109 bhp और 200 nm टॉर्क पैदा करता है, गियर बॉक्स आपको 6-speed मिलेगा और माइलेज आपको 17 kmpl का क्लेम करा जाता है। डीजल इंजन की बात करें तो वो है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल जो 115 bhp और 300 nm टॉर्क पैदा करता है, 6-speed मैनुअल के साथ 20 kmpl का क्लेम माइलेज क्लेम करा जाता है। तो इंजन डिपार्टमेंट को अगर कंपेयर करें तो नो डाउट आपको XUV300 के पेट्रोल और डीजल में टॉर्क ज़्यादा मिलता है
लेकिन इसमें परफॉर्मेंस में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। नेक्सॉन हो या फिर XUV300 हो, दोनों ही गाड़ियों के पेट्रोल और डीजल इंजन में आपको लगभग एक जैसा ही पावर और परफॉर्मेंस मिलने वाला है। तो आपको सिलेक्ट करना है आपको पेट्रोल चाहिए या फिर डीजल चाहिए, उसके हिसाब से आप कोई सा भी कार पिक कर सकते हो। दोनों ही गाड़ियों में आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है, चाहे पेट्रोल हो या फिर डीजल हो। कॉम्फर्ट फीचर की बात करें तो नेक्सॉन के इस मॉडल में आपको मिल जाता है वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, ऑटो डिमिंग RVM, आयरा कनेक्टेड कार, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, क्रूज कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटर, मिनी सनरूफ, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, 7-inch टच स्क्रीन विथ 8 हार्मन स्पीकर। जबकि XUV300 में आपको मिलता है मिनी सनरूफ, लेकिन ये सिर्फ डीजल मॉडल के लिए एप्लीकेबल होगा। क्रूज कंट्रोल, टायर पोजीशन डिस्प्ले, स्मार्ट स्टीयरिंग, 7-inch टच स्क्रीन विथ 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर सेटअप, स्मार्ट कीलेस एंट्री, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और LED टेल लैंप। तो कॉम्फर्ट फीचर को अगर कंपेयर करें तो आप लोग देख सकते हो XUV300 का सेकेंड टॉप मॉडल होते हुए भी आपको फीचर बहुत कम मिलता है नेक्सॉन के मुकाबले भी और सेकेंड टॉप मॉडल होते हुए भी। तो कॉम्फर्ट फीचर को अगर कंपेयर करें तो इजीली नेक्सॉन आगे निकल जाती है। सेफ्टी फीचर की बात करें तो नेक्सॉन में आपको मिल जाता है ड्यूल एयरबैग, ABS विथ EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रिटेंशनस एंड लोड लिमिटर, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, ब्रेक असिस्ट, डिस्क ब्रेक वाइपिंग, रियर पार्किंग सेंसर और हाई स्पीड अलर्ट जैसे फीचर। उसके साथ आपको मिल जाता है 5-star क्रैश टेस्ट रेटिंग। जबकि XUV300 में आपको मिलता है कॉर्नर ब्रेक कंट्रोल, ABS विथ EBD, ऑल 4 डिस्क ब्रेक, ड्यूल एयरबैग्स, फ्रंट सीट बेल्ट प्रिटेंशनस विथ लोड लिमिटर, पैनिक ब्रेकिंग सिग्नल, पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन स्विच और 5-star क्रैश टेस्ट रेटिंग फ्रॉम ग्लोबल इनकैप। तो सेफ्टी रेटिंग दोनों ही गाड़ियों में आपको 5-star की मिलती है। लेकिन अगर बात करें एक्टिव सेफ्टी फीचर की या फिर पैसिव सेफ्टी फीचर की, तो वो आपको XUV300 में उतना ज़्यादा मिलता नहीं है सेकेंड टॉप मॉडल होते हुए भी। लेकिन नेक्सॉन में आपको बढ़िया बढ़िया सेफ्टी फीचर इसके बेस मॉडल से ही मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी फीचर वाइज नेक्सॉन आगे निकल जाती है, XUV300 पिछड़ती हुई नजर आती है। लेकिन क्रैश टेस्ट रेटिंग दोनों ही गाड़ियों में आपको 5-star की मिलती है। अब कॉन्क्लूजन की बात करें तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो का अगर डिटेल में देखा होगा तो आप लोगों को देखने में मिलेगा नेक्सॉन बहुत सारे पॉइंट्स में XUV300 से आगे है। जैसे कि आपको नेक्सॉन में बेटर केबिन स्पेस मिलने वाली है, बूट स्पेस मिलने वाली है, इंजन परफॉर्मेंस में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों ही गाड़ियों में आपको पेट्रोल के साथ डीजल इंजन मिल जाती है, आपको मैनुअल के साथ AMT ऑप्शन भी मिलता है। लेकिन XUV में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, AMT नहीं मिलता। AMT के लिए आपको टॉप मॉडल परचेस करना पड़ेगा। कॉम्फर्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पर भी नेक्सॉन में आपको ज़्यादा कॉम्फर्ट फीचर मिलता है XUV300 के मुकाबले में। सेफ्टी फीचर भी आपको नेक्सॉन में ही ज़्यादा मिलता है XUV300 के मुकाबले में। तो कॉन्क्लूजन की बात करें तो नेक्सॉन का ये जो नया मॉडल है XZ+ लग्जरी, ये इजीली महिंद्रा XUV300 W8 मॉडल को बीट कर देती है। अगर आप इन दोनों में कॉन्फ्यूज थे तो आप लोग नेक्सॉन XZ+ लग्जरी मॉडल को प्रेफर करो। जो प्राइस डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। आप लोग 22,000 रुपये पेट्रोल मॉडल के लिए या फिर 27,000 रुपये डीजल मॉडल के लिए एक्स्ट्रा चुका कर नेक्सॉन XZ+ लग्जरी मॉडल को प्रेफर करो, ना कि महिंद्रा XUV300 W8 मॉडल को प्रेफर करो। महिंद्रा XUV300 इंडियन मार्केट में बहुत साल हो गया है लॉन्च हुए और ये कार अब बहुत ज़्यादा पिछड़ चुकी है। आपको सेगमेंट किलर फीचर्स इसमें मिलता नहीं है, कार बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड भी है। तो टाटा नेक्सॉन XZ+ लग्जरी ही इस वीडियो का विनर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।